जय श्री राम गाइस, वेलकम टू डे 14 ऑफ 45 स्टडी हार्ड चैलेंज। तो आज मैं उठ गई थी सुबह 5 बजे और उठ के सबसे पहले पिया एक गिलास गर्म पानी का, और गर्म पानी के पीने के बाद फिर मैं उसके बाद पीती हूँ रोज़ चाय। तो कल मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3000 वर्ड हैं वो कैब के उनके 1100 तक कर लिए थे कल, तो आज मैं करूँगी 1100 से 1400 तक नेक्स्ट 300 वर्ड लर्न, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के 91 to 120 लास्ट 30 रहते हैं मेरे, उनको पढ़ना है। ये 1100 से आज करने हैं 1400 तक, रूल 91 से मेरे को करने हैं आज रूल 120 तक, ये ख़त्म हो जाएंगे आज। तो गाइस रूल्स रिवाइज हो गए हैं, 300 वर्ड्स भी हो गए हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ गाइस, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो क्वेश्चंस कल किए थे तो चलो करते हैं। सो गाइस अभी मैं कर रही हूँ बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कल इसके नोट्स तो बन गए थे, अभी मैं इनको प्रैक्टिस करूँगी। और एक कमेंट आ रही थी जो कह रहे थे कि आप मैथ कब करते हो, तो भाई ये मैथ ये क्वांटिटी तो है, ये और क्या है, मैं यही तो 5 घंटे उस दिन यही तो किया था, और आप कमेंट में लिख रहे हो कि आप मैथ कब करते हो, या तो आपने वीडियो पूरी नहीं देखी उससे पहले ही कमेंट कर दिया। सो गाइस क्वेश्चंस तो कर लिए मैंने प्रैक्टिस, और अभी मैं इसके बाद जाऊंगी लंच करने। लंच में गाइस आज है खिचड़ी, और मीठे में है गुलाब जामुन। और लास्ट टाइम जब मेरी मम्मी ने खिचड़ी बना रखी थी उस दिन भी ये बुगले बैठे थे, और आज भी खिचड़ी बन रही है और आज भी ये बैठे हैं, वैसे रोज डेली नहीं बैठते हैं, और शायद कल बारिश आएगी, क्योंकि जब ये बैठते हैं ना तब बारिश आती है, उससे अगले दिन उस दिन बारिश आएगी। कर क्या रहे वैसे ही बैठे, शायद धूप सेकण आए हैं, साइड में भी बैठे हैं। हेलो हेलो बुगलो, आधे तो एक टांग पर ही बैठे हैं। तो गाइज आज मैं करूँगी ट्रेन प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस, उसके नोट्स बनाऊंगी जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके हर एक टाइप के, बट उससे पहले मैं देख के आती हूँ मेरी मम्मी कुछ बना रही है। गाइज मेरी मम्मी कुछ तो बना रही है, सांधना बना रही है, ये ड्राई फ्रूट्स लग रखे हैं भून भून के, देख किस तरह देख रही। बट गाइज ये मेहनत मेरे लिए नहीं हो रही है, ये मेरे लिए नहीं है, ये रिश्तेदारी में जाएगा, मेरे कजन के लिए है। गाइज जब तैयार हो जाएगा ना ये फिर दिखाऊंगी मैं आपको, अभी तो ये भुनने लग रहा है। तो गाइज अभी ट्रेन प्रॉब्लम को बीच में ही छोड़ के जा रही हूँ मैं, क्योंकि मेरी इवनिंग वॉक का टाइम हो गया।
सो गाइज इवनिंग वॉक करके आ गई हूँ, अभी चलते हैं दोबारे से ट्रेन को कंप्लीट करेंगे आज, ट्रेन के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। ये माँ जी क्या कर रही है पीछे बैठ के, कुछ बनाने की तैयारी कर रही है शायद। गाइज बन गया है, थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही सकती हूँ मैं इसको। ये ना कोई कोई भी इसको पंजीरी बोलता होगा, हमारे यहाँ तो सांदना बोल रहा या फिर कोई सांदा। टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। सही है। सो गाइस ट्रेन चैप्टर के क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए मैंने, बस इसके 3-4 क्वेश्चंस और रहते हैं, अब मेरे से होने रहे क्योंकि टाइम भी मेरा पूरा हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 अगर टाइम बचता तो मैं इसको पूरा कर देती, बट अभी मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि 10 भी बज गए हैं और फिर मुझे सुबह जल्दी भी उठना है। वाटर इंटेक भी मेरा पूरा हो गया था, इवनिंग वॉक पे भी मैं जा रही थी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक भी मैंने पढ़ ली है। अभी मैं बता देती हूँ कि इसकी सबसे अच्छी लाइन आज की कौन सी थी। आप लोगों में से कोई नाम भी पूछ रहा था इस बुक का, तो इस बुक का नाम है द पावर ऑफ वन थॉट। द बेस्ट लाइन आज की ये है, अल्दो एम्प्टिंग द माइंड एंड बिकमिंग थॉट फ्री साउंड टेम्पटिंग, इट इज़ इम्पॉसिबल। द एम शुड नॉट बी टू स्टॉप थिंकिंग बट टू डिसिप्लिन द माइंड टू थिंक राइट। समझ रहे हो गाइज, ये तो पॉसिबल ही नहीं है स्टॉप थिंकिंग, ऐसा नहीं हो सकता, बट हम डिसिप्लिन कर सकते हैं अपनी माइंड को अच्छी चीज़ें सोच के, राइट थिंग सोचनी है, इसी चीज़ पर फोकस करना है बस। मिलते हैं कल, तो गुड नाइट गाइज जो मेरी वीडियो रात को देख रहा है, और गुड मॉर्निंग जो मेरी वीडियो दिन में देख रहा है।